हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक एंड वेलकम इफ यू न्यू। मेरा नाम है निया और आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा संडे रूटीन कैसा होता है, एक वर्किंग मोम का सिंगल रूटीन इन इंडिया। तो जी, सबसे पहले चैप्टर आता है क्लीनिंग का। हमने अपनी क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है। मैं सुबह उठ के अपना ब्रंच बनाती हूँ, क्योंकि इस दिन हमारा लंच और ब्रेकफास्ट साथ ही होता है। तो वो बनाने के बाद मैं लग जाती हूँ अपने क्लीनिंग में, क्योंकि बाकी तो हर रोज़ देखो टाइम मिलता नहीं, एक संडे को ही टाइम मिलता है कि हम थोड़ा सा थोरोली अच्छे से क्लीनिंग करें। इसलिए इस दिन जो है मेरा कम से कम 2 से 2.5 घंटे जाते हैं मेरे पूरे घर को क्लीन करने के लिए, ताकि मेरा पूरा वीक स्मूथली चले। तो यहाँ पे चल रही है मेरी वही वाली क्लीनिंग जो मैं सबसे पहले निपटा देती हूँ। रूम वाइज मैं क्लीन करती हूँ, पहले मैं टास्क वाइज क्लीन करती थी, बट मैंने देखा कि रूम वाइज क्लीन करना थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहता है। यहाँ पे मैं अपना जब मेकअप करती हूँ तो वो जो एक हैंकी है, मतलब हैंडकरचीफ है, उसको मैं अपने लिपस्टिक के लिए रखती हूँ, जो भी इधर उधर लग जाता है थोड़ा सा उसको हटाने के लिए, और उसको भी मैं अब वॉश कर दूँगी। और उसके बाद आता है जी चेंज योर शीट्स। यस, आई एम चेंजिंग माई शीट्स, और जो मेरा ये हेडबोर्ड है इसको भी मैं क्लीन कर दूंगी यहाँ पे। और मैंने डिसाइड किया है कि मैं विहान के सर्दियों के कपड़े जो है ना वो निकाल लेती हूँ अभी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी ना मौसम चेंज होने लग गया है। तो जो थोड़ी सी हल्की ठंड के कपड़े हैं वो मैं विहान के लिए निकाल रही हूँ, क्योंकि भरोसा नहीं है किसी भी दिन बहुत सारे बादल हो जाएंगे या हल्की सी भी अगर बारिश हो गई ना तो एकदम से ठंड बढ़ जाएगी, और फिर इन कपड़ों में ना स्मेल होती है, काफ़ी लंबे टाइम से रखे हुए हैं, जर्म्स भी हो सकते हैं। तो विहान के हल्की ठंड वाले कपड़े निकाल कर मैं उनको एक बार एक जो 15 मिनट का साइकिल है उसमें से निकाल के और उनको रख दूँगी ताकि वो रेडी रहें। ये ओढ़ने के लिए भी मैंने निकाल ली हैं पतली वाली जो चादर हैं जो विंटर्स की होती हैं वैसे, तो ये निकाल ली हैं, क्योंकि अब जो पतली कॉटन वाली जो शीट्स है ना वो थोड़ी सी ठंड लगने लग गई है उनमें। तो शीट मेरी चेंज हो चुकी है यहाँ पर, और जैसे ही बेडरूम में शीट चेंज होती है ना मुझे मतलब लगता है कि यस बेडरूम इज़ डन। हालांकि उसके बाद भी 10 से 15 मिनट का काम रह जाता है, डस्टिंग तो सारी ही रहती है, झाड़ू भी रहती है, बट स्टिल क्योंकि शीट एक मतलब सबसे बड़ा फर्नीचर है तो शीट चेंज होते ही थोड़ा सा एक कमरा एक लुक में आ जाता है दैट यस ऑलमोस्ट काम डन हो गया है, दैट्स वाई। तो यहाँ से जो विंडो है ना मैं आज इसको भी अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको इस तरह के प्रोडक्टिव व्लॉग मोटिवेशनल व्लॉग्स देखना अच्छा लगता है देन यू कैन चेक माई अदर वीडियोज़ आउट। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल के, हमारी फैमिली के डिजिटल मेंबर बन सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई आपके ऐसी फ्रेंड है जिसको मेरे व्लॉग से या मेरी किसी भी वीडियो से हेल्प हो सकती है तो आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी की हेल्प हो जाएगी, यू नो आपका कुछ जाएगा नहीं। एंड या दैट्स इट। तो बेडरूम जो है ऑलमोस्ट डन हो गया है, अब मैं ये जो कपड़े हैं इनको सेपरेट कर लूँगी, क्योंकि इसमें कॉटन के हैं वो अलग है, वुलन जो है वो अलग है, ताकि अलग अलग इनका साइकिल लगा सकूँ, सॉर्ट आउट कर लूँगी। आज जो ये विहान के सॉफ्ट टॉयज़ हैं इनको भी वॉश करना है, तो ये सारे विहान के कपड़े मैंने निकाल लिए हैं और इनको हम अभी सेपरेट कर लेंगे, और कॉटन के कपड़े जो हैं शीट्स का जो है वो अलग से लोड लगा देंगे। अच्छा, मैं वो वैसे संडे को कपड़े वॉश नहीं करती हूँ, लेकिन अभी संडे को कर रही हूँ, क्योंकि विहान की जो तबीयत थी ना वो कल ख़राब थी, उसको मम्स हो गए हैं, तो इसलिए कल और उससे पहले मैं कपड़े वॉश नहीं कर पाई। तो आज पूरा दिन जो है लॉन्ड्री की मशीन चलेगी, क्योंकि मैं विहान के साथ थी तो इसलिए, अदरवाइज मैं संडे को कपड़े वॉश नहीं करती हूँ। तो अब करते हैं जी थोड़ा सा वो वाला काम जो हम हर रोज नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने किचन के टॉवल्स जो है ना वो भिगो कर रख दूंगी इसमें, और ये विहान के रोटी के टॉवल है, क्योंकि मैं विहान को टिफ़िन में कपड़े में लपेट कर ही रोटी देती हूँ, कोई पेपर वगैरह और एल्यूमिनियम फॉइल वगैरह नहीं देती हूँ, आराम से बहुत अच्छे से रह जाती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इतना ईजिली। कोई भी मसलिन क्लोथ या फिर थोड़ा सा पतला कॉटन का क्लोथ भी आप बच्चे का बना सकते हैं, और यू नो एक तो पैसे बचते हैं कि आपको इस तरह की चीज़ें खरीदनी नहीं पड़ती, और दूसरा हेल्दी भी रहता है ये।
तो यहाँ पे मैं अपने कॉम जो है वो भी क्लीन कर दूंगी। देखिए कॉम में भी ऑयल होता है और ऑयल को हटाने के लिए ना ये जो डिश लिक्विड है इससे बेटर कुछ भी नहीं होता है। तो ये दो काम है ये मैं निपटा दूंगी, क्योंकि जब मैं ऑयलिंग करती हूँ तब भी कॉम करती हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा कॉम जो है वो ग्रीसी हो जाते हैं, तो इनको वॉश करना बहुत ज़रूरी है। तो सिंपल मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गुनगुना पानी लिया है हल्का सा गरम, और इसमें मैंने डिश लिक्विड है और इसी से मेरे कॉम जो है वो अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। उसके बाद जी टास्क आ जाती है रीफिलिंग की, पूरा वीक स्मूथली जाने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह जब हम काम करते हैं ना और कोई चीज़ ख़त्म हो जाए तो वो एक्स्ट्रा 2-3 मिनट खा जाते हैं जब हम उसको फिल करते हैं, तो वो 2-3 मिनट जी हमारे पास नहीं होते लगाने के लिए। अगर से हर जगह 2-3 मिनट लगाने लगे ना तो जॉब पर पहुंचने के लिए हम 5 मिनट लेट हो जाएंगे, और अब 5 मिनट लेट हो जाते हैं तो फिर वहां पे थोड़ा सा ही होता है दैट यू आर लेट, यू नो। इसलिए सुबह स्मूथली जाए तो मैं सारा रिफिलिंग का काम जो है वो संडे को करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना जो पहले कपड़े वॉश करने का और डिश लिक्विड डालने का काम कर लिया है, और अभी मैं देखती हूँ कि किचन में क्या कुछ ख़त्म हो गया है। तो जो भी मेरा कंटेनर खाली हो गया है मैं उनको वॉश करती हूँ, पहले अच्छे से धूप दिखाती हूँ और उसके बाद ही उसको दोबारा रिफिल करती हूँ। इस तरह से सारे कंटेनर ना वॉश होते रहते हैं, मतलब हर महीने तो नहीं, कोई कंटेनर 2 महीने में, कोई 1 महीने में, इसलिए ज़्यादा फिर ये नहीं होता है दिवाली पे कि मुझे सभी के सभी कंटेनर से एक बार में ही साफ़ करने हैं, क्योंकि वो ऑलमोस्ट ही साफ़ रहते हैं। रीफिलिंग से पहले उनको साफ़ करके धूप दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये मैंने भर दिया है सूजी, और अब मैं डाल रही हूँ दलिया। तो दलिया जो है वो भी, क्योंकि अभी ख़त्म हो गया मेरा दलिया, कम बनता है मेरे घर में, बट अभी खिचड़ी वगैरह ज़्यादा बन रही थी क्योंकि विहान की तबीयत ख़राब थी, इसलिए फीवर था उसको हाई बम्प्स की वजह से। तो ये जी रीफिलिंग का काम हमारा ख़त्म हो गया है, और जो शुगर चाय पत्ती वगैरह है वो मैं पहले ही भर चुकी हूँ, उसकी क्लिप वगैरह मैंने शूट नहीं की इसलिए, क्योंकि साथ साथ काम भी करना होता है तो हर क्लिप में शूट नहीं करती हूँ, क्योंकि काम भी निपटाना है थोड़ा सा, ऊपर से विहान की तबीयत भी ख़राब है। अभी लास्ट का जो काम बचता है ना सारा काम निपटाने के बाद, वो होता है झाड़ू और पोछा, और उसके बाद मेरी क्लीनिंग जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। सबसे लास्ट में लगाती हूँ मैं पोछा सारा डस्टिंग वगैरह करने के बाद और सारा काम निपटाने के बाद, ताकि फ्रश पर थोड़ा बहुत भी कुछ भी ना रहे, और लास्ट में फाइनल पोछा लगते ही सारी क्लीनिंग हो जाए, एवरीथिंग विल बी लाइक स्क्वीकी क्लीन। और सब कुछ क्लीन होने के बाद की जो फीलिंग होती है ना, अगर वो आपको अच्छी लगती है दैट मीन्स यू आर एन ऑफिशियल एडल्ट। कभी सोचा नहीं था ना लाइफ में जब हम टीनेज थे कि कभी हमको ऐसी, मतलब ये जो सीन है कि मेरा पूरा घर क्लीन है, इससे हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा। What can we do? We have changed. तो जी मेरा पूरा घर बिल्कुल क्लीन हो चुका है एंड आई एम फीलिंग अपलिफ्टेड, भले ही थकी हुई हूँ बट बहुत अच्छा लग रहा है। और उसके बाद मेरा लॉन्ड्री का काम भी ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है, बस शीट्स का जो रहता है लास्ट साइकिल वो रहता है, बाकी सारे कपड़े मैंने सुखा दिए हैं। और लास्ट का जो फाइनल टचअप है जी वो है कि ये जो क्या बोलेंगे ना फुटमेट, यस फुटमेट जो है जहाँ जहाँ पर मैं लगाती हूँ 3-4 जगह वहाँ पे मैं अभी फुटमेट रख के आऊँगी। एंड उसके बाद पूरे घर में क्लीनिंग होने के बाद क्लीनिंग की वो फ्रेश वाली स्मेल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी मैं लगा दूंगी अपना जो अगरबत्ती है वो, और हाँ ये मैं बिना नहाए लगा रही हूँ क्योंकि ये जो अगरबत्ती और धूप है ना ये मैंने अलग से रखी हुई है जस्ट फॉर अरोमा पर्पज़, क्योंकि इनकी स्मेल बहुत ही कामिंग लगती है मुझे और बहुत अच्छी लगती है, एक इन्वायरमेंट जो है ना वो क्लीन जैसा हो जाता है, दैट्स वाई। सो इसलिए ये मैंने लगा दी है यहाँ पर अगरबत्ती, मंदिर में नहीं लगाती हूँ मैं अगरबत्ती, आई एम कन्फ्यूज़। मैंने कहीं पढ़ा था कि अगरबत्ती मंदिर में नहीं लगानी होती क्योंकि वो बांस होता है और बांस नहीं जलना चाहिए, तो अब मेरे पास 2 पैक पड़े हुए हैं इसके एंड आई एम थिंकिंग अबाउट फिनिशिंग दैम, और उसके बाद दोबारा से मैं नहीं मंगवाऊंगी अगरबत्ती जब तक मैं श्योर नहीं हो जाती इसलिए। तो अभी के लिए मैंने धूप लगा दी है अपने रूम्स में, जो कि मेरे मतलब 2-3 रूम है वैसे तो, बट 1 आई एम यूजिंग एज स्टोर रूम, सो 2 कमरे हैं उनमें धूप लगा दी है, एंड जो मेरी लॉबी है उसमें भी मैंने धूप लगा दी है। लॉबी बोलेंगे लिविंग एरिया, बहुत छोटा सा है वो, लिविंग एरिया तो नहीं बोल सकते। नाउ इट्स टाइम फॉर सेल्फ केयर, तो नहा के मैं आ गई हूँ, और पिछले तकरीबन
हाँ पूरा सितंबर आई गेस मैंने ऑयलिंग नहीं की क्योंकि मैं बहुत बिजी थी। पहले तो पेपर थे फिर रिजल्ट था, तो ये विहान की मेडिसिन है जो मैं उसको दूंगी अब, और मैं भूख लगी है मुझे तो ये मैंने अपने लिए चाय बना ली, पूरा बड़ा कप भर के मैं चाय पीऊंगी और विहान को उसकी मेडिसिन दूंगी। तो ये वाला शो देख रहे हैं हम, मैं और विहान के साथ, और बहुत ही सही शो है, वेरी वेरी नाइस, डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर। तो ये वीडियो है इन पार्टनरशिप विद मामा अर्थ, एंड थैंक यू सो मच मामा अर्थ फॉर सेंडिंग मी दिस अमेजिंग प्रोडक्ट्स। तो ये फेशियल है मेरे पास दो जो मामा अर्थ ने मुझे भेजे हैं, एंड आई एम चूजिंग टू यू नो हैव अ फेशियल एट होम टुडे, क्योंकि देखो बाहर जाने का तो टाइम है नहीं, विहान की भी तबीयत ठीक है, तो सोचा कि चलो सेल्फ केयर के लिए ना पूरा सेटअप लगा के घर में ही फेशियल किया जाए। तो ये बहुत ही अमेजिंग से फेशियल है। उबटन जो फेशियल है ना वो मैं पहले भी दो बार कर चुकी हूँ, सो आज मैं अपने लिए राइस फेशियल किट जो है ना इसको ट्राई करने वाली हूँ, और बहुत ईजी है इसको करना। ये ईजी से ना ये से स्टेप दिए हुए हैं, इन पर लिखा हुआ है कि स्टेप नंबर वन में क्या करना है, स्टेप नंबर टू में क्या करना है, इसके पीछे पूरा प्रोसेस लिखा होता है। और ऐसे ही छोटी छोटी किट आती हैं जिनसे आप एक फेशियल जो है ना घर पे बहुत ही सही तरह से कर सकते हो। और मामा अर्थ एज यू नो मेरे पास बहुत सारी जो प्रोडक्ट हैं मेरे पास मामा अर्थ के ही हैं, आई जस्ट लव देयर प्रोडक्ट। इनके प्रोडक्ट्स में कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं होते हैं, सभी नेचुरल जो इंग्रेडिएंट्स हैं ना उनसे बने होते हैं, एंड बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आते हैं, और एक वो सेल्फ केयर वाली फीलिंग आ जाती है, छुट्टी वाले दिन एटलीस्ट आई हैव डन समथिंग फॉर माई स्किन। और सभी जो भी ये किट है ना इनका पूरा टेक्सचर मैं आपको शो करूंगी, बहुत ही अमेजिंग है और रियली नाइस फीलिंग। एंड मैंने सच में करने के बाद ना मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फील हो रही थी, आई वॉज फीलिंग सो हैप्पी। तो जी मामा अर्थ के प्रोडक्ट, अगर आपको भी ये फेशियल किट खरीदनी है अपने लिए घर पर फेशियल करने के लिए, क्योंकि फेस्टिवल आ रहे हैं डियर, और फेस्टिवल में हमारा अच्छा लगना भी ज़रूरी है, तो आप ले सकते हैं। ये दोनों फेशियल आपको मिल जाएंगे, ये ऑफलाइन एंड ऑनलाइन सभी आउटलेट्स पर। तो जी ऑनलाइन अमेजन, नाइका, फ्लिपकार्ट, पर्पल, आप इसको कहीं से भी ले सकते हैं, उनके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। लेकिन अगर आप मामा अर्थ की वेबसाइट या उनकी ऐप पर जाएंगे तो अगर आप मेरा कूपन कोड हुड्डा 2023 यूज करेंगे तो आपको मिलेगा 20% ऑफ। मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स ऑफलाइन भी अवेलेबल हैं, जो भी आपके आसपास स्टोर है ना उन पे आपको इजीली मिल जाएंगे प्रोडक्ट, तो गो एंड चेक देम आउट। ये दोनों की दोनों फेशियल किट बहुत अमेजिंग है। पहले वाली को मैं 2-3 बार यूज कर चुकी हूँ, एंड राइस जो फेशियल किट है इसको मैंने पहली बार यूज किया है, एंड अमेजिंग रिजल्ट्स। मामा अर्थ इज ऑल अबाउट गुडनेस इनसाइड, एंड दिस गुडनेस डजंट जस्ट लाई इन द प्रोडक्ट बट ऑल्सो इन द वैल्यू दैट दे स्टैंड फॉर। लाइक इनका जो प्लांट बेस्ड इनिशिएटिव है ना, एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम दैम मामा अर्थ विल लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट। बाई 2025 मामा अर्थ इज एमिंग टू प्लांट 1 million ट्रीज एज पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव। और इसके साथ ही मामा अर्थ एक प्लास्टिक पॉजिटिव कंपनी है, मामा अर्थ रिसाइकल मोर प्लास्टिक देन दे यूज, दे नाउ रिसाइकल 240 एम्प्टी प्लास्टिक एवरी ईयर। सो इफ यू रियली वॉन्ट टू बाय और हैव अ फेशियल किट और फेशियल करना चाहते हैं घर पे, आप मेरी तरह आपके पास भी टाइम नहीं है, आप एक वर्किंग वूमेन है या हाउस वाइफ भी हैं और बिजी हैं तो बाहर नहीं जा सकते, तो जी फेशियल आप आराम से अपना घर में कर सकते हो स्टेप बाई स्टेप, कोई मतलब टेंशन नहीं, पूरा इसमें लिखा हुआ है पीछे कैसे करना है। गो एंड चेक देम आउट, ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। दिस इज माई किट, जब भी मैं अपना हैबिट ट्रैकर फिल करती हूँ तब भी यही सामान जो है ना वो लगता है इसमें, जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं मेरे लिए वो मैंने इसमें रखी हुई हैं। सो हैबिट ट्रैकर जो है वो मैं आपको अपनी मंथली रिसेट वाली वीडियो में दिखा दूँगी। दिस इज़ फॉर माय वीकली टाइम ट्रैक, मैं अपना टाइम जो है ना एक एक मिनट ट्रैक करती हूँ, अभी हमेशा से नहीं करती थी, तो वो इसमें है। एंड दिस इज़ द स्टेशनरी आई नीड एवरी सिंगल डे, तो एंड दीज आर द कलर्स जो मैं फिल करती हूँ जिससे, ठीक है। दिस इज़ द स्टेशनरी आई नीड, तो बना मैं चुकी हूँ ऑलरेडी, मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ। ओके सो इसको हटा देते हैं एक सेकेंड। तो ये है मेरा वीकली, जो भी मतलब पूरा वीक मैं बनाती हूँ संडे को वैसे, तो टाइम ट्रैक जो मैं करती हूँ ना वो भी ऐसे करती हूँ। सी 4 to 5 इज़
भाई मैं क्या कर रही थी इस टाइम एक घंटे में, ठीक है। 5 to 6 मोस्टली मेरा किचन का काम स्टार्ट हो जाता है, 6 to 8 घर का ही काम रहता है, मुझे नहाना धोना होता है, फिर उसके बाद मैं निकल जाती हूँ 8 बजे से पहले, 7:40 के आसपास, ठीक है। उसके बाद 8 to 2 ओबियसली मैं स्कूल में होती हूँ इस टाइम, एंड 2 to 3 2 बजे से पहले मैं वापस आ जाती हूँ घर। 2 से 3 के बीच में मैं आके अपना यू नो ड्रेस वगैरह चेंज करती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, चाय वगैरह पीती हूँ, उसके बाद विहान आ जाता है। सो ये जो कलर है ना, ये हाउस होल्ड वर्क के लिए है। सी ये मैंने पूरा एकदम अलग अलग कलर दे दिए हैं, ये इंटरटेनमेंट के लिए दिया हुआ है मैंने, जब मैं थोड़ा बहुत अपना इंटरटेनमेंट कोई मूवी वगैरह देख रही हूँ तो, माइंडफुल एक्टिविटीज़ के लिए जैसे जर्नलिंग में कर रही हूँ या कोई रीडिंग में कर रही हूँ या फिर सुबह जो भी मैं मेडिटेशन वगैरह करती हूँ, मंत्र जाप वगैरह होते हैं उसके लिए। और ये जो कलर है ये मैंने दिया हाउस चोर्स के लिए, जब मैं कोई भी घर का काम कर रही हूँ, वो क्लीनिंग हो सकता है, लॉन्ड्री हो सकता है, किचन का वर्क हो सकता है। एंड दिस इज़ फॉर स्कूल, क्योंकि देखो 6 से 7 मतलब 7 तो नहीं बट 5 से 6 घंटे मेरे स्कूल में जाते हैं। ये YT के लिए है, YouTube के लिए जब भी मैं YouTube को टाइम दूंगी तो मैं उसको पिंक कलर करूंगी। एंड दिस इज़ फॉर माई स्लीप। और ये है जो टोटल घंटे हैं जो दिन के मेरे पास होते हैं, 13 आवर्स, स्कूल के 6 घंटे इसमें से निकाल लो। YouTube के लिए मैंने अभी लिखा नहीं है, पूरा जब वीक चला जाएगा ना तो मैं देखूंगी कि मैंने YouTube के लिए पूरे वीक में कितने घंटे दिए हैं। स्लीप के लिए 7 से 8 घंटे मैं ज़रूर देती हूँ, बिकॉज आई हैव बीन देयर। जब मेरी स्लीप सही नहीं जा रही थी एंड आई वॉज हसलिंग एंड आई नो जो पे बैक हमें करना पड़ता है ना, मेंटल हेल्थ के रूप में भी और फिजिकल हेल्थ के रूप में भी। सो नाउ स्लीप इज़ माई प्रायोरिटी, आई एम नेवर गोइंग टू नेगलेक्ट माई स्लीप। ये जो है ना, ये मैंने लिखा है परफेक्ट, भाई जब मतलब मेरा डे बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है ना तो वो ऐसे होगा, बट हर रोज़ ऐसे नहीं होता है मेरा, ये मैंने लिखा है ओके, कि ऐसे जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल ओके। इंटरटेनमेंट के लिए भी हमें टाइम देना होता है एंड इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी कि हर रोज़ मैं 7 बजे तक YouTube को टाइम दूँ, क्योंकि कई बार होता है कि भाई मैं थक गई हूँ, मुझे इंटरटेनमेंट का कोई काम करना है या मेरा स्कूल का कोई काम है जो मुझे करना है, तो वो इसी टाइम में होता है, वो तो उस दिन YouTube नहीं होता है फिर, ठीक है। सो तो ये देखिए इसको के अकॉर्डिंग आपको पता लग गया है कौन सा टाइम कहाँ जा रहा है। सो हम आ चुके थे 8 to 2, आई वॉज इन स्कूल, उसके बाद 2 से 3 विहान आता है 2:30 बजे के आसपास, उसके बाद हम लंच करते हैं 3 to 4, तो ये सारा हाउस चोर्स में आ जाता है। मुझे कई बार लंच बनाना होता है और कई बार मोस्टली मैं बना के जाती हूँ या लेफ्ट ओवर होता है सुबह का, वो हम खाते हैं, ठीक है। उसके बाद 4 to 5, और ये जो टाइम होता है ना इसमें 5 अराउंड 5 विहान की ट्यूशन वाली मैम आती है, तो विहान ट्यूशन पढ़ता है एंड या तो मैं अपना थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट करती हूँ, यूट्यूब वगैरह देखती हूँ, या कोई स्कूल का अगर काम होता है एक्स्ट्रा वो करती हूँ, घर का भी कोई काम एक्स्ट्रा हो सकता है, मुझे कुछ ऑर्गेनाइज़ करना हो सकता है, कोई घर का एक्स्ट्रा लाइक क्लीनिंग वगैरह हो सकती है, लॉन्ड्री वगैरह हो सकती है, तो वो भी इसी टाइम में मैं करती हूँ। और यूट्यूब का भी काम हो सकता है, जैसे स्क्रिप्टिंग वगैरह करना है, न्यू आइडिया सोचना है, तो बहुत काम होते हैं मुझे, 3 ही घंटे हुए मेरे पास, ठीक है। तो उसके बाद फिर शुरू हो जाता है मेरा किचन का काम, और कई बार इस 6 से 7 में मैं ऊपर छत पर घूमने भी चली जाती हूँ, क्योंकि आजकल ना मौसम अच्छा होने लगा है, गर्मी वगैरह अब नहीं है उतनी, तो मैं ऊपर भी चली जाती हूँ छत पर घूमने के लिए। 7 से 8 हमारा डिनर टाइम होता है, इसमें मैं खाना बनाती हूँ, खाती हूँ, यू नो ऑल दैट कूल किचन स्टफ। एंड 7 to 8 किचन क्लीनिंग वगैरह होती है, मेरा नाइट टाइम रूटीन होता है वो हम फॉलो करते हैं, रात को वाइंड अप करती हूँ, अगले दिन की प्रिपेयर करना होता है। तो ये सारे जो छोटे छोटे काम होते हैं ना, जो हज़ारों छोटे छोटे काम हो जाते हैं, वो सब मैं इसी टाइम करती हूँ। और 9 to 10 एक्चुअली 9 से पहले भी 8:30 बजे तक निपट जाता है, उसके बाद हम थोड़ा बहुत टीवी देखते हैं, यू नो दिस इज़ फॉर एंटरटेनमेंट, थोड़ा बहुत टीवी देखते हैं, कभी अगर किसी वीडियो की जैसे पूरा बन के वो तैयार है और एडिटिंग थोड़ा बहुत बाकी है तो वो कर लेती हूँ मैं इस टाइम में। मोस्टली हम इस टाइम में टीवी देखते हैं या बातें करते हैं और फिर हम सो जाते हैं। और 10 टू 11 मतलब 10 बजे तक हम सोचते हैं कि सो जाए, नहीं तो 11 बजे तक तो लास्ट टाइम है जब हम पूरा कम्प्लीटली सो जाते हैं मतलब, तो उसके बाद ये जो है वो स्लीप टाइम है। पर कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई स्ट्रेस वगैरह है तो आप नहीं सो पा रहे हो, तो ये मैंने उसके लिए लिखा है कि मैं भाई सोई हूँ या नहीं, बट टच वुड लास्ट के 4 से 5 महीने हो गए मैं टाइम से मतलब 10 बजे अराउंड 10 o'clock मैं सो जाती हूँ, ठीक है। तो ये तो है मेरा वीक का टाइम ट्रैकर, जो मैं टाइम ट्रैक करती हूँ, ये है मेरी वीकली टू डू लिस्ट। तो देखो दशहरा आने वाला है तो स्कूल में एक दशहरे की एक्टिविटी प्लान करनी है, वो यहाँ पे रखा हुआ है, मैंने 2 एक्टिविटी शीट देनी है बच्चों को। और मेरा एम है इस लाइक वीक में मुझे 2 टॉपिक करवाने हैं ग्रामर के अपनी हर एक क्लास में, तकरीबन हो गए तो ठीक है, अदरवाइज दिस इज़ माई गोल। और एक मैंने छोड़ा हुआ है, मे बी कोई अचानक से काम आ जाए स्कूल का। एंड घर के लिए 3 दिन तो देखो लॉन्ड्री करनी ही होती है, अदरवाइज तो मतलब कपड़े इतने इकट्ठे हो जाते हैं फिर मेरा सैटरडे संडे ख़राब हो जाता है, तो 3 दिन मुझे बीच में लॉन्ड्री निकालनी है। नहीं है ईट कुक हेल्दी फूड, एक्चुअली विहान को फीवर हो गया था, मम्स हो गए थे उसको, सो लास्ट वीक ही वॉज नॉट फीलिंग वेल, तो रिकवरी के लिए आई एम नॉट ऑर्डरिंग एनीथिंग एंड आई नीड टू कुक रियली हेल्दी फूड। ऐसा नहीं कि अनहेल्दी वगैरह नहीं बना सकती हूँ मैं,
पराठे वगैरह जो है वो नहीं बनाने हैं मुझे। सॉरी, विंटर के जो कपड़े हैं विहान के मैं निकाल चुकी हूँ, उनको वॉश भी कर चुकी हूँ, निकाल के रख दिए हैं क्योंकि अभी मौसम ना चेंज हो रहा है और एकदम से भी चेंज हो सकता है। सो एंड यस, फेस्टिवल सीजन आ रहा है तो मतलब देखो स्क्रोलिंग तो मैं भी इंसान हूँ तो स्क्रोलिंग तो चलती रहती है। सो दिस इज़ ओनली कि मैं घर का कोई भी आइटम ना खरीदूँ क्योंकि बहुत सेल चल रही है अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, हर जगह। सो दिस इज़ फॉर मी। एक्चुअली नवंबर मेरे लिए नो बाय मंथ है तो मैं कुछ भी नहीं खरीदूंगी। सो दिस इज़ स्पेशली फॉर दैट कि मुझे कुछ भी नहीं खरीदना है भले ही कोई कितना भी अच्छा ऑफर क्यों ना हो। एंड फॉर विहान कंप्लीट हिज राइटिंग होमवर्क बिकॉज वो बीमार था लास्ट वीक, तो उसका होमवर्क जो है ना वो रहता है, तो वो होमवर्क का भाई हम धीरे धीरे करवा रहे हैं। तो ये एक मेरा टू डू लिस्ट है कि उसका होमवर्क, राइटिंग का होमवर्क जो है ना जो पिछले वीक में हुआ है वो कंप्लीट करवाना है। डाइट केयर करवाना है क्योंकि उसकी फीवर से रिकवरी चल रही है। रीड 3 स्टोरीज, 3 डेज हमने स्टोरीज रीड करनी है, सो दिस इज़ फॉर दैट। वॉच अ मूवी टुगेदर जो कि हम देखते ही हैं, तो देखते हैं हम वीक के बीच में देखते हैं या वीकेंड पे देखते हैं, बट एक मूवी एवरी वीक वी जस्ट वॉच टुगेदर। फॉर यूट्यूब एक मेरी स्पॉन्सरशिप की वीडियो है जो जानी है, वो मुझे भेजनी है, तो दिस इज़ फॉर दैट। एंड प्लान फेस्टिव व्लॉग मैं सोच रही हूँ कि मतलब दशहरे से लेकर दिवाली तक कम से कम थोड़े से ज़्यादा पोस्ट करूँ, क्लीनिंग के जो वीडियोस हैं वो बनाऊँ जिसमें मैं दिवाली की क्लीनिंग करूँगी ना, आई एम लाइक क्लीनिंग माय लाइफ, तो फेस्टिव व्लॉग के नाम से वो जो व्लॉग हैं वो मैं शूट करूँ। सो इसमें कौन कौन से व्लॉग होंगे, कहाँ कहाँ की मुझे सफाई दिखानी है, ये जो वीडियोज़ हैं ये मुझे प्लान करनी है इसी वीक। सो दिस इज़ फॉर माई यूट्यूब। एंड सेल्फ केयर ऑब्वियसली एक बार वीक में मुझे हेयर ऑयलिंग करनी है क्योंकि मेरे बाल ना बहुत रफ हो रहे हैं। एंड एक फेस मास्क लगाना है मुझे डी टैनिंग का क्योंकि मुझे बहुत बुरी वाली टैनिंग हो गई है, लाइक सी यू कैन एक्चुअली सी ऑन माई हैंड्स की कितनी बुरी वाली टैनिंग मुझे हो गई है। सो आई एम ट्राइंग टू डी टैन नाउ। एंड स्क्रबर ऑब्वियसली 2 बार करूँगी मैं इस बार क्योंकि थोड़ा सा ना अभी मौसम चेंज हो रहा है तो स्किन अजीब सी हो गई है। सो 2 डेज आई एम गोइंग टू डी टैन स्क्रबर ऑन माई फेस एंड ऑल्सो ऑन माई यू नो हैंड्स। आई मीन लुक एट दैट, आई वॉज लाइक सीरियसली आई हैव टू डू समथिंग अबाउट दैट। सो ये था जी मेरा वीकली प्लान। तो ये थी आज की वीडियो और अभी लास्ट सेगमेंट में मैं डालने वाली हूँ मेरा लास्ट जो वीक है उसके कुछ एक ग्लिम्प्स कि कैसा था मेरा वीक। एक डाइनो पार्क लगा हुआ है वहाँ पर, हम दोनों मम्मा बेटा गए थे, फेयर जैसा लगा हुआ है, मतलब मेला जैसा होता है वैसे, वहाँ पर डायनासोर है काफ़ी और विहान को डायनासोर बहुत पसंद है, उसको सभी डायनासोर के नाम याद है इसलिए हम वहाँ पर गए थे। और फिर विहान बीमार हो गया था तो यू नो उसकी कुछ पिक्स हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल अगर आपको मेरी वीडियोज़ देखना पसंद है, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा क्योंकि मुझे जब टाइम मिलता है तभी मैं वीडियो डालती हूँ, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, तो आपको जब भी वीडियो आएगी ना आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन। और जी हाँ, कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, वो तो मेरी फीस है, अगर आप मेरे लिए कुछ भी करना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिए, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं आप सबके कमेंट। और दैट्स इट, अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, आई लव यू ऑल, प्लीज़ टेक रियली गुड केयर एंड बाय।